हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक की। आज हम बात करेंगे जंतु ऊतक से बनने वाले टॉप 28 एमसीक्यू क्वेश्चन की। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां साइंस यानी कि जीव विज्ञान एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां जंतु ऊतक से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं जंतु ऊतक या फिर आप कह सकते हैं एनिमल टिश्यू से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट रहता है। क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सही आंसर है मेयर। किसने किया था दोस्तों? मेयर ने। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिथीलियमी ऊतक। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। राइट आंसर है एपिथीलियमी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। आंसर है बसामय ऊतक। बसामय ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन है, सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको रेलवे के और एसएससी के प्रैक्टिस सेट में देखने को जरूर मिलेगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। आंसर है तलवे पर। कहां पर? तलवे पर। लैक्राइमल ग्रंथि स्त्रावित करती है। क्वेश्चन है, लैक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं। राइट आंसर है आंसू। किसको निकालती है ये? आंसू यहां से निकलते हैं। किस ग्रंथि से? लैक्राइमल ग्रंथि से। वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है। वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पर्पस से। क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूरॉन। क्या है दोस्तों? न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। लीगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट शब्द है ये। लीगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, अस्थियों को अस्थि से। ठीक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है लीगामेंट। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का कूबड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊंट का कूबड़ किस ऊतक का बना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बसामय ऊतक का। किसका? बसामय ऊतक का। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बसा ऊतक के कारण। किसके कारण? बसा ऊतक के कारण। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रक्त। रक्त क्या है? ऊतक का उदाहरण है। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी,
परीक्षण के लिए ऊतक को शरीर से अलग करने से, ठीक है। बायोप्सी किससे संबंधित है? परीक्षण के लिए ऊतक को शरीर से अलग करने के लिए मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक में। कहां पर पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्तनियों की अस्थियों में। कहां पर? स्तनियों की अस्थियों में। फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। सही आंसर है प्लोरा, ऑप्शन बी प्लोरा। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लोरा। दंत मुख्य रूप से होते हैं, क्वेश्चन है दंत मुख्य रूप से होते हैं। सही आंसर है डेंटाइन के, किसके होते हैं? डेंटाइन के। दांत का शिखर किसका बना होता है? देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 ये तीनों ही क्वेश्चन आपको रेलवे से लेकर एसएससी के प्रैक्टिस सेट में हमेशा देखने को मिलेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन था दंत का शिखर किसका बना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनामिल का। किसका? एनामिल का बना होता है दंत का शिखर। नाभि रज्जु है, क्वेश्चन है नाभि रज्जु है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रोण संयोजी ऊतक, ठीक है, प्रोण संयोजी ऊतक है नाभि रज्जु। देखिए रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किसी जीवित देह के भीतर कोशिकाएं या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, किसी जीवित देह के भीतर कोशिकाओं या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिलिया। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रोफिलिया। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? देखिए तीनों ही क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछे गए हैं ये। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केराटिन के। किसके? केराटिन के बने होते हैं ये। आर एच कारक ने अपना नाम, यह नाम किस जानवर से लिया है? क्वेश्चन है आर एच फैक्टर भी कहते हैं इसको, आर एच कारक ने अपना नाम, अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बंदर से। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, तंत्रिका। तंत्रिका है इसका सही आंसर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, देखिए अभी तक हमने जितने भी लास्ट के क्वेश्चन किए हैं यहां पर सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में यहां पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, जेपीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रक्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आपको रेलवे एसएससी के प्रैक्टिस सेट में देखने को अवश्य मिलेगा। रक्त होता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है रक्त। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।